सब्सक्राइब करें मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मेरे पास फ़ोन आया हुआ है J26। ठीक है, J26 या J26 Pro है। वैसे इसका जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका टच जो है काम नहीं कर रहा है। तो इसका जो आज जो हम लोग जो टच है उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको अभी मशीन से हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी बिल्कुल ही फ़ोन पूरा खुला हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। मैंने इसको पहले से ही फ़ोन को मैं पहले से ही खोल रखा है, इसलिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे खोलने में और आप लोग का वक्त जो बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका आपको मॉडल दिखा देता हूँ। मैं एक बार फ़ोन को पहले ऑफ़ कर देता हूँ, मैं आपको इस तरीके फ़ोन ऑफ़ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका आपको मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का है J2 210F। ठीक है, 210F। ठीक है, इसका मॉडल है J26 बोलते हैं इसको या J2 Pro बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका जो ग्लास को जो है रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब अपने ये वाला जो मेरा मशीन है इससे हम अभी जो है मतलब चेंज करेंगे इसका ग्लास को। ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना मशीन को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा मशीन चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, और मेरा जो टेम्परेचर है वो हीट का, कि हमको कितना हीट चाहिए, कि इतना हीट चाहिए, हमको इतना तक का हीट चाहिए कि हमारा जो ये जो टच है वो आराम से इजीली उखड़ पाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 113 पे इसको सेट करके रख दिया है। 113 पे ये जो मशीन है वो पूरा हीट हो जाता है, और इसके पूरा हीट होने के बाद में इसको आराम से हम खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 113 पे यहाँ पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पर देख रहे सेकेंड चल रहा है और हमारा मशीन जो हीट होने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अभी आराम से ईज़िली मैं खोल लेता हूँ इसको, मैं इसको आराम से इजीली खोल लेता हूँ पहले फटाफट। मैंने तो एक्चुअली पहले से ही फ़ोन खोल रखा है, मगर इसको मैं आराम से खोल लिया हूँ। खोलने के बाद में इसका जो टच का ये वाला जो पत्ता है, मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आप मैं टच का पत्ता निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं फ़ोन को, वैसे तो यहाँ से इस साइड से निकाल, पहले मैं फ़ोन को रख देता हूँ वैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मशीन गर्म हो रहा है, हम फ़ोन को ऐसे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मशीन देख रहे हैं यहाँ पर जो सेकेंड है उसका ये रनिंग है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऊपर वाला जो 78-79 जो दिख रहा है आपको, ये 113 पे आके आपको रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने इसको सेट कर रखा है। इतने 113 पे आने के बाद ये जो मशीन है वो पूरा हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है कि हम इजीली आराम से अपने टच को खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 85-86 इतने पर आके ये जो है बिल्कुल ही रुक जाएगा और हीट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इतने ही पे हमें छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फ़ोन अभी हीट हो रहा है, हमने चेक अब महसूस कर पा रहा हूँ मैं कि मेरा फ़ोन हीट हो पा रहा है, मेरा जो डिस्प्ले है वो हीट हो पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देर और हम वेट कर लेंगे। ये देख रहे 92 आ चुका है, 93 आ चुका है, फ़ोन हमारा हीट वैसे हो रहा है धीरे धीरे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वायर है, इसी वायर से हम इसको खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा अलग, क्योंकि इसमें ये आपको पता है कि इसका जो पूरा फोल्डर आता है तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ये जो है टच अगर चेंज करते हैं हम लोग तो थोड़े उससे कम पैसे में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 102-103 स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको उम्मीद है कि हमारा ये जो गरम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो इस पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। अगर इसको अपने इस वायर से अगर निकालते हैं तो ये बिल्कुल पूरा हिलेगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, हम इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के बाद ये क्या है, इसको बिल्कुल ही पकड़ लेता है, हिलने नहीं देता। ये उसका ऊपर का खुली है जो हिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको आराम से ईज़िली निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपना वायर को पूरा ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो है वायर मेरा, मैं इसको थोड़ा नीचे दबा कर रखूँगा और मैं इजीली इसको उखाड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी इसके अंदर वायर अपना घुसा दिया, डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ईजीली हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी बहुत ईजीली इसको निकाल सकते हैं आराम से, ज़्यादा प्रेशर ना दे, बहुत ही ईजीली निकल जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये हीट होने लगता है, उसके बाद ईजीली खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको बहुत ही ईजीली निकाल पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
लेते हैं एक बार, यहीं से बैक ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही पूरा उखड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत इजीली इसको आराम से पहले निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको इजीली निकाल लिया है। इसका जो टच था वो इसमें फंस गया था, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिस्प्ले को बिल्कुल ही पूरा उखाड़ लिया है। अब हम चेक कर लेंगे, हमने जो पूरा इसको इससे मशीन से जो अलग किया है हमारा डिस्प्ले, अभी बचा भी है या फिर दिक्कत हो गया या कोई मतलब डिस्प्ले टूट गया है, क्या है नहीं है, वो अब इसको लगाने के बाद हमको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें आराम से इसको लगा लेता हूँ। मैं इसको अभी आराम से इसके अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये जो हम जो इतनी मेहनत किए हैं वो अभी ठीक से निकला है या नहीं निकला है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने जो अभी निकाला है वो बिल्कुल ही अच्छे से निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आप भी बहुत इजीली बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं और अपना इस ये वाला टच मैं अभी इसके अंदर निकाल के लगा के मैं कस्टमर को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा डिस्प्ले पूरा अच्छे से निकल गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे मोनोमॉल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे मोनोमॉल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि हमेशा आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।